बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, मेरे भाई बहनों और बेटियों, मैं मुंतखब आयात और तफसीर कर रहा हूँ। आज ये आयत का टुकड़ा, वआतु ज़कात, और ज़कात देते रहो। अल्लाह ताला ने जो माल दिया है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो तो साल में एक मर्तबा इसमें से एक ख़ास रकम को अल्लाह की राह में ख़र्च करने को ज़कात कहते हैं। ज़कात देने से माल कम नहीं होता, बल्कि पाक और बरकत वाला हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका लोगों का मैल यानि उनके दिल के तमाम आम मैल को छांट कर पाक कर देता है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सोने चांदी की ज़कात नहीं देता, क़यामत के दिन उसके माल की तख्तियां बनाकर उसकी पेशानी और पहलू को दाग दाग कर दिया जाएगा, माल को सांप बना दिया जाएगा। तो ज़कात के अलावा भी जब मौका मिले आदमी को सदका और खैरात ज़रूर किया करे। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में मज़दूरी करते थे और जो कुछ मिलता था उसको अल्लाह की राह में सदका करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी मदाइन के हाकिम थे, 5,000 दिनार वजीफा था। जब ये रकम मिलती तो खैरात कर देते और ख़ुद चटाई बुनकर खाने पीने का सामान करते थे। एक रिवायत गौर से सुन ले कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि सदका और ज़कात देने से माल में कमी कभी नहीं होगी। अल्लाह हमें सदका और ज़कात की तौफीक अता फरमाए।